पीसीएस करंट न्यूज में अभी की खबर है, खबरों में रानी रामपाल स्टेडियम। भारतीय हॉकी स्टार रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है और ये सम्मान पाने वाली वह पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। स्टेडियम का नाम अब रानी की गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। रानी ने इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के दौरे के दौरान भारतीय टीम में वापसी की थी, जब उन्हें 22 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया था। इससे पहले उन्होंने 2021-22 में FIH प्रो लीग खेला था, जिसमें उन्होंने 250 अंतर्राष्ट्रीय मैच पूरे किए थे। रानी रामपाल ने 2009 में अपने डेब्यू के बाद से भारत के लिए 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। रानी भारत की 2017 महिला एशियाई कप खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा थी। उन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक में ऐतिहासिक चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया। रानी रामपाल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। रानी ने जकार्ता में 2018 में एक रजत और इंचियोन 2014 में एक कांस्य पदक जीता था।